रूल्स फॉलो करने के लिए कहती है। ये देखिए सामने मेरे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े हैं। तो हे गाइस, हाउ आर यू, कैसे हो सारे? होप करता हूँ अच्छे होंगे मेरी तरह। आज फिर से रोड के ऊपर ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आज थोड़ा सा फिर से लेट हो चुका हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, आपका भाई लेट लतीफ़ तो है ही है। तो आज है दिल्ली में KTM ड्यूक 790 का ऑफिशियल लॉन्च, जो कि हो रहा है दिल्ली कनॉट प्लेस में। 4 बजे का इवेंट था और अभी 4:03 हो चुके हैं और मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। अभी जाकर कवर करते हैं वहाँ पर इवेंट को। अभी थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ तो अभी बाइक भगाता हूँ और आपको सीधा मिलता हूँ इवेंट पे। चलान इतने मोटे होने के बाद भी कई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही खड़े हैं अभी भी। सो हियर वी आई एम एट KTM कैनॉट प्लेस। फाइनली 20 से 25 मिनट के खतरनाक वाले जाम से जूझते हुए लड़ते हुए आखिरकार तुम्हारा भाई पहुंच ही गया। आई थिंक इवेंट स्टार्ट भी हो चुका है। KTM 790 के लॉन्च पर, जो कि है कैनॉट प्लेस सिटी के अंदर। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, अभी पूरी तैयारी है, बाइक अनवीलिंग होने में बस कुछ ही पल बाकी हुए हैं और आपके सामने 790 बिल्कुल आपके सामने। देखते हैं कि क्या इसमें खासियत है, क्या इसका प्राइस सेगमेंट आएगा, क्या आएगा, जो भी आएगा आपको दिखाता हूँ बस फटाफट। KTM is growing in India and what you guys are giving KTM is the strength for this brand. So strength for this brand is for the people who have a passion to ride. And when you ride, then you know what is the power of this bike as well as the power of the brand. There is no difference in the bike which is present any part of the world and what is available in India. So in fact, Bajaj is exporting, manufacturing bikes and sending it to Europe. And for your kind information, KTM has become the number one brand in Europe. You know, it is a good achievement by KTM. So, the big bikes. And the big bikes, you know, means to have big hearts, big pockets. Okay? So I wish everybody of you to have a KTM one day if you don't have a KTM right now. Anybody has a guess how does the bike look? How does it look? LG. जो सबसे क्लोजेस्ट बताएगा उसको सबसे पहले मैं यहाँ बुलाऊँ। सर एज इट इज 390 मैंने फोटो में देखा था। हाँ? वीडियो में तो देख ही लिया है। सर लेट अस सी व्हाट दे हैव। 790 लिखती है। शार्प लाइन से नजी। 790 लिखती है। सर 790 लिखती है। सुपर ड्यू। आई थिंक द हेडलाइन इज सेम लाइक द रियल नेक्स्ट। रियल नेक्स्ट एक्चुअली। ओके ग्रेट। सो along with me. क्या आंसर है सर? रियल नेकेड। और पागो भाई ये क्या? तुम कर लीजिए। हेलो। पहला आप लोग राघव भाई का यार तो। ओके। तो जब तक हम कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं, कुछ अपने पेट में गिरते हैं, तब तक आप एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक शॉट्स।
बात करते हैं इसके फीचर्स की, फीचर्स हैं इस बाइक के, अभी मुझे ज़्यादा पता नहीं तो मैं खुद नेट से इसका सर्च करके बताऊँ। 790 इसका सीसी है बाइक का, और ट्विन सिलेंडर है, और चूँकि है 105 की इसकी हॉर्स पावर है, 9000 आरपीएम है, और जैसा कि है 87 इसका एनएम है, और 8000 आरपीएम 6 स्पीड इसके साथ मिलती है, और इसका जो प्राइस है वो आ रहा है आपका 8.64 लाख एक्स शोरूम, जो कि वर्थफुल है या नहीं है ये सब आप बताओगे, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही थोड़ा सा महंगा कर दिया है। इसका प्राइस आना चाहिए था ऑन रोड 7 to 8 लाख के अराउंड इसका आना चाहिए था प्राइस। सो कंपनी निकाला तो कुछ सोच समझ के ही निकाला होगा। सो बस इस वीडियो में इतना ही था, होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने भाई को सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। भाई के चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और साथ में बेल आइकन दबा देना तेजी से। ये तो गाइस अभी निकल चुके हैं केटीएम से, इवेंट खत्म हो चुका है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, बाइक को जितना कैप्चर कर सकता था किया मैंने, ब्लॉग में लिया। अब निकल चुके हैं घर के लिए, अब यहाँ से सीधा जाएंगे घर, घर से चेंज करके जिम, और फिर रात को फिर ब्लॉग एडिट, और कल सुबह तक आपकी पेशे खिदमत में हाजिर होगा मेरा ब्लॉग। सो गाइस एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हम लोगों को रूल्स फॉलो करने के लिए कहती है। ये देखिए सामने मेरे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर। गाड़ी का नंबर है DL1SAD4048। जब रूल है तो यार सबके लिए रूल करो ना यार, ये थोड़ी है कि हम लोगों के लिए रूल है और इन लोगों के लिए रूल नहीं है। अब अगर आपको नंबर दिख रहा होगा, अब जैसा कि मेरे सामने ये भाई साहब भी जा रहे हैं विदाउट हेलमेट, तो भाई कई लोग हमसे पूछते हैं कि तुम लोग ये इवेंट में जाते हो तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है। आज मैं दिखाता हूँ हमें क्या मिलता है, हम सिर्फ प्यार के और खाने के भूखे हैं, तो ये सब प्यार हमें मिलता है, इसीलिए हम लोग अपने काम नाम सब छोड़ के भाग आते हैं, क्योंकि हम खाने के भूखे हैं और प्यार के भूखे हैं।